Hi guys, and welcome to another episode of Deep Dialogue with AKashdeep. Yani, aao bhen, chugli kare. Aaj phir se chugli karte hain. I hate Asim. I love Sid. आज इस पर बात करते हैं। सिड को हम क्यों लाइक करते हैं, तो हम बहुत बार कह चुके हैं अपने ट्वीट्स में, अपने पोस्ट में। वाई आई हेट रश्मि, इसके लिए हमने एक अलग पोस्ट बनाया। तो चलिए आज बात करते हैं वाई आई हेट आसिम। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन बताऊं कि आसिम मुझे बहुत हाइपर लगता है। दो दिन पहले के एपिसोड की बात ले लीजिए, स्मोकिंग रूम के बाहर आसिम बैठा था और ये बात सबने देखी। सिद्धार्थ आया और मैं रिपीट करता हूं जिस लहजे में, जिस लेवल में, जिस टोन में बात हुई, और आप चेक कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। सिड ने कहा, आसिम मुझे बात करनी है। आसिम खड़ा हो गया। हाँ बोल यार, ये तू इस तरह जो कर रहा है ना, पीछे पड़ रहा है, मत कर। हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, तेरे को जो करना है तू कर ले, मैं करूंगा। तेरे को सिर्फ भौंकना 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 आता है, गाली देना आता है, मारना आता है ना, बोल। आसिम मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं डाडा डूडू डाडा डूडू डाडा डूडू। फिर अंदर से पारस आया, अरे यार तू क्यों चिल्ला रहा है यार, वो अच्छी तरह से नॉर्मल बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूंगा, वो क्या समझता है, वो क्या बता। हाँ बोल बोल, हाँ बोल, अच्छा हाँ बोल बोल। ये क्या है, मुझे एक बात बताइए। किसी भी वीकेंड के वार में आपने देखा है कि सिड कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सर सर इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। हालांकि इन्होंने किया है, रश्मि, अरहान, आसिम, विशाल ने, खामखा सिद्धार्थ को बहुत बार पोक किया है। ठीक है, पोक करने के बाद सिद्धार्थ ने डट के जवाब दिया, और देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, वरना ये लोग तो पागल कर देंगे एक नॉर्मल आदमी को। और ये लोग भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी है ना इनकी, ये सिड को अनरफल करना है, सिड को हिलाना है, सिड का मेंटल संतुलन खराब करना है, ताकि वो कुछ बोल दे या ऐसी कोई हरकत कर दे जिससे वो आउट हो जाए, वरना तो ये लोग तो जीत ही नहीं पाएंगे ना उसके सामने। तो आसिम ने ये जो हाइपर रूट लिया है, ये मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत बड़ी लॉस है। पीपल आर डिसलाइकिंग हिम, फैंस आर डिसलाइकिंग हिम। हाँ, उसके भाई ने एक अलग सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया है जो उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हर प्लेयर ने अपना एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है, लेकिन आसिम आपको ऐसे खेलना चाहिए ताकि आपके सपोर्ट ग्रुप के पास बहुत सारी अच्छाइयां प्रोजेक्ट करने को मिले, वो तो दिख नहीं रही। जब तुम कैप्टन थे तुम सबके पीछे पड़े, अब शहनाज कैप्टन है तो तुम सो रहे हो, शहनाज तुम्हें कोई ड्यूटी दे रही है, तुम फिर कह रहे हो कि सिद्धार्थ ने बोला, सिद्धार्थ ने बोला। और कल के एपिसोड में हमने देखा आपकी झड़प हुई कि सिद्धार्थ ने बोला, तू मुझे अगर तुझे कुछ बोलना है मैं तो डायरेक्टली बोलता हूं, मुझे पीछे से बोलने की ना आदत है ना मैंने कभी किया है, खामखा मुझे क्यों लेके आ रहा है बीच में। बट आसिम अगर सिद्धार्थ को बीच में ना लाए तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप मुझे बताइए, रश्मि और आसिम जो सोचते हैं कि वो टक्कर के प्लेयर्स हैं और दे आर केपेबल एंड दे थिंक एंड दे बिलीव दैट दे आर गोइंग टू बीट सिद्धार्थ एंड विन द बिग बॉस ट्रॉफी 2019, वो कर क्या रहे हैं? सिद्धार्थ की एक अलग गेम है। सिद्धार्थ हैज अ ब्यूटिफुल रिलेशन विथ पंजाब की कैटरीना कैफ, शहनाज गिल। जब सिद्धार्थ स्माइल करता है, हंसता है, शहनाज की खींचता है, या पारस से बातें होती हैं, आरती से होती हैं, शेफाली से होती हैं, मायरा से होती हैं, कितना नॉर्मल है, कितने स्वीटली बात करता है। आसिम जब भी हमने नॉर्मल देखा है वो तब है जब बैठ के खाला जान यानी रश्मि उसे पिन मार रही है, तू ना ऐसा कर, तू ना ऐसा कर, इसको मत छोड़, उसको मत छोड़, ये ना एक्चुअली इसीलिए कर रहा है, वो ना एक्चुअली उसके लिए कर रहा है। अरे यार ऑनेस्टली बोलूं, सुन सुन के हम थक गए। आसिम, रश्मि, इन चीजों से हम बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। कल रात को
जो प्रोमो दिखाया गया वीकेंड का, रोहित शेट्टी आए और उन्होंने आसिम और सिद्धार्थ को कैप्टन्स रूम में रोका, बाकियों को बाहर निकाला और यही कहा ना कि ज्यादा हो रहा है, और यह भी कहा कि सिद्धार्थ की आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं। अब आपको लगता है कि सिद्धार्थ विल शेड अ फेक टीयर फॉर अ बैड प्लेयर लाइक आसिम? नो, नेवर। आसिम जब से अलग हुआ है, ठीक है, सोचना उसका करेक्ट है कि यार मैं इसके शैडो में खेलूंगा तो मैं बिग बॉस कैसे जीतूंगा, इसके शैडो में खेल के मैं रनर अप बनूंगा, और मैं रनर अप बनने थोड़ी आया हूं, मैं तो जीतने आया हूं। लेकिन जीतने के तरीके अलग 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 होते हैं। आसिम लड़ाई करते हो, स्टैंड लेते हो, अच्छा है, बट ये हर बार, मतलब तुम नॉर्मल कैसे साउंड होते हो ये तो हम भूल गए हैं। जैसे आसिम का नाम आता है, हाँ बोल दू, क्या बोल रहा है, मैं दा, 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 दा। इसके अलावा तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि आसिम में कुछ और भी है। अब जैसे यू नो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कल आसिम और सिद्धार्थ जज थे तो आसिम ने फाइनली अग्री किया कि शहनाज शुड विन, लेकिन जब रश्मि रैंप पे थी और सिद्धार्थ की टर्न हुई कि ही हैज टू आस्क अ क्वेश्चन टू रश्मि, फिर रश्मि ने अपना एटीट्यूड दिखाया, आप क्या पूछ रहे हो, आप यही पूछ रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप, अरे यार तू चुपचाप जवाब देना, वो जज तुमसे सवाल कर रहा है, तुम उल्टा उससे सवाल कर रही हो, इससे तुम्हारी मानसिकता झलकती है, यू नो योर स्ट्रेट अवे नेगेटिवनेस टूवर्ड सिद्धार्थ समझ में आता है, दिखता है, दैट्स रॉन्ग प्ले। आई डोंट नो आसिम, आप एक अच्छे प्लेयर थे, आप सिद्धार्थ के शैडो से निकले, आपने अकेले लड़ने की ताकत दिखाई, आप एक बहुत अच्छे प्लेयर बने हो कंपेयर टू द लिटिल आसिम दैट हू हैड एंटर्ड द हाउस एंड हू वाज फीलिंग के सब लोग मेरा सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, मुझे कुछ नहीं समझते। वो आसिम और आज के आसिम में बहुत फर्क है। लेकिन आसिम, अगर आप लड़ाई में नंबर वन हो गए हो, चीखने चिल्लाने में नंबर वन हो गए हो, झूठ बोलने में नंबर वन हो गए हो, जो कि हमने वीकेंड्स में देखा है कि आप ऐसा प्रोजेक्ट करते हो कि सर मैं तो कुछ नहीं बोलता, मैं तो चुप रहता हूं, मुझे तो ना गाली देने की आदत, ना मैं मारता हूं, सिद्धार्थ के कॉन्ट्रैक्ट में मारना लिखा होगा, सर ये भी रश्मि को नौकरानी बोलता है, सर कितना झेलेंगे हम, सर हम कितना झेलेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता सर हम, अरे यार ये सब बातें जो है ना ये वन साइडेड है। सिद्धार्थ बैठा रहता है, तुम आते हो सामने बैठ जाते हो और पोक करते हो, फिर वो जवाब जो देता है वो बात आप जाके कंप्लेन करते हो, आप पूरी बात करते नहीं हो कि मैंने बैठ के उंगली की, मैंने बैठ के प्रवोक किया। अभी भी 5 हफ्ते रह गए हैं। आसिम, जहां तुम डिसएग्री करते हो सिद्धार्थ से, फाइट करो, स्टैंड रखो, बट उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। मतलब ये तुम एक पहले ड्राइवर हो जो गाड़ी स्टार्ट करते हुए भी 4th गियर पे रख रहे हो। No, really, I mean it. झटके मार के बंद हो जाएगी गाड़ी, वही आपका हाल होना है। अभी भी वक्त है, अपने दूसरे शेड्स भी दिखाओ। आई एम श्योर आसिम यू हैव मोर शेड्स इन यू, गुडनेस, ह्यूमैनिटी। यू नो जब तुम नॉर्मल रहते हो, नॉर्मल बात करते हो, जैसे कल तुम और सिड थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि रश्मि को मिलना चाहिए और सिड ने कहा कि नहीं शहनाज को जीतना चाहिए रैप का टास्क, और फाइनली तुम लोग अग्री कर गए, तुमने स्माइल करके सर्टिफिकेट भी दिया शहनाज को, इट वेंट डाउन वेल, इट रियली वेंट डाउन वेल। लेकिन ऐसे अच्छे न्यूट्रल एंड करेक्ट मोमेंट्स तुम्हारे गेम में बहुत कम है आसिम, एंड दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू द टाइटल। यू हैव कम इनटू द टॉप 5, और मेरे टॉप 5 है सिद्धार्थ, शहनाज, पारस, आसिम, और अब क्लोज फाइट बिटवीन आरती एंड माहिरा। आरती इसीलिए कि वो इंडिपेंडेंट खेल रही है, इंडिपेंडेंट खेलने की वजह से वो मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स में चुप रहती है, जहां उसको बोलना होता है वो बोलती है, इसीलिए
उसके ऊपर आरोप कम लग रहे हैं, वो कोई भी साइड नहीं लेती मोस्ट मसलों में क्योंकि वो किसी कैंप में नहीं है, ऑफ कोर्स शी हैज अ टिल्ट टुवर्ड्स सिद्धार्थ, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हफ्ते 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 गुजरते गुजरते आप हर वीकेंड में देखिए कि ऑल द कंप्लेंट्स, ऑल द इश्यूज, ऑल द गेम्स आर रिलेटेड टू सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं तो बिग बॉस 13 नहीं। आसिम तुम अपना ढोल बजाना बंद करोगे तो रश्मि शुरू कर देगी, रश्मि बंद कर देगी तो अरहान तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया वो तो एक रामू काका है, विशाल बेमतलब का लड़ने लगता है, मधुरी मातुल्ली बेमतलब का लड़ने लगती है, मधुरी मातुल्ली से तो डर लगता है यार कि वो डज शी इवन हियर व्हाट शी से, समझ में नहीं आता। तो आसिम तुम्हें डरने के लिए एक रीजन दे रहा हूं मैं, तुम जिस ग्रुप को सपोर्ट करे उसमें से अरहान, मधुरी मातुल्ली, धीरे धीरे विशाल एंड इवन शेफाली बग्गा, ये चार नॉमिनेट होने वाले हैं, वन बाय वन जाने वाले हैं। मुझे इसमें बायस नहीं बनना, बट तुम मुझे एक सिंपल बात बोलो कि क्या सिद्धार्थ, पारस, शहनाज, तुम खुद, आरती, मायरा, शिफाली जरीवाला, क्या ये लोग जल्दी आउट होंगे? सिंपल, अनबायस्ड, जिस तरह खेला है आज तक वो हिसाब से ये लोग नहीं जाने वाले। मैं तुमको भी नहीं जाने वालों के ग्रुप में डाला है, लेकिन बाकी वन बाय वन इनका टिकट कटने वाला है बेस्ड ऑन द वे दे हैव प्लेड। सबसे खराब रश्मि ने खेला है, लेकिन चैनल फेवरेट है, पॉपुलर है, उसे शायद रखेंगे। ठीक है, लड़ती है तो उस वजह से तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, तो शायद वो रहेगी। तो तुम्हें सिवाय रश्मि के बाकी किसी के सपोर्ट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वो लोग एक एक करके आउट होंगे। ये हाल होने वाला है हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्तों में कि इस तरफ के 5-6 रह जाएंगे, तुम्हारे तरफ के 1-2 रह जाएंगे, फंस जाओगे तुम तब। जाती दुश्मनी तो तुम्हारी किसी के साथ है नहीं, इट इज अंडरस्टूड यू आर प्लेइंग दिस कार्ड बिकॉज यू वॉन्ट टू आउट सिद्धार्थ एंड विन द टूर्नामेंट, फेयर इनफ, बट थोड़ा सा 2 स्टेप आगे भी तो सोचो। तुम्हारा ग्रुप आउट होने के बाद तुम करोगे क्या? आउट नंबर्ड हो जाओगे आर्ग्यूमेंट में, टास्क में, किसी भी चीज में? थोड़ी समझ के साथ काम करो, समझ तुम में कम है, हर बार तुम्हें टास्क और गेम समझाना पड़ता है, कभी रश्मि समझाती है, कभी कोई और समझाता है। खैर, एक मन में तुम्हारे एक फीलिंग आ गई है कि मैं ये शो जीतने वाला हूं और इतने ज्यादा हाइपर हो गए हो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही नहीं करते हो, हर चीज चीख कर चिल्ला कर, और ऐसे 2 मिनट में बदल जाते हो, अपनी कैप्टनसी के टाइम में कुछ और रूल बनाते हो, दूसरे के टाइम पे कुछ और। देखो, तुम में कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही। एंड ऑफ द डे जीतने के लिए ये सारी बारीकियां काम आएंगी। Am I right? I'm not against you for a rank outsider, a struggler to come in and create the kind of impact that you have. Well done, Asim. But now you need to show that there is more to you other than just screaming, shouting. That will be the key differentiator that jo humne abhi aapko humare list mein 4th rakha hai to bring you to 2nd. पारस लड़ता है, पारस गेम की समझ रखता है, पारस बहुत अच्छा प्लेयर है। मुझे तो कई बार लगता है कि पारस अंडरस्टैंड्स दिस रियलिटी शो बिग बॉस इवन मोर देन सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपनी चार्म की वजह से, साइलेंट रहने की वजह से जीत रहा है पॉपुलैरिटी में, पारस इज नॉट फार बिहाइंड। तुम सिर्फ सिड को टारगेट कर रहे हो जिस तरह रश्मि कर रही है, और ये गलती है तुम्हारी। रश्मि और तुम्हें अगर ये बिग बॉस 13 जीतना है तो तुम्हें सिद्धार्थ, पारस एंड शहनाज, ये 3 महारथी प्लेयर्स को तोड़ना है। तुम सिर्फ सिद्धार्थ के पीछे लगे हो, सिद्धार्थ तो नंबर 1 है, पहले शहनाज और पारस को तो तोड़ो,
या मेरे ख्याल से तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, ये दोनों घाघ हैं भाई। शहनाज तो कमाल की प्लेयर है, ये मस्ती एंटरटेनमेंट एक तरफ, गेम की बड़ी समझ है उसको, बहुत समझ है, पकड़ है। सेम विद पारस, पारस ने अपनी एनर्जीज रिजर्व रखी है, तुम वेस्ट कर रहे हो। जब फाइनल थ्रस्ट का टाइम आएगा तुम्हारी बैटरी, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तुम भी यहां, हम भी यहां, ऑलवेज बाय योर साइड सिड, वी वर, वी आर एंड वी ऑलवेज बी। देर इज नो चांस कि सिड चेंज हो और लोग उसे डिसलाइक करना शुरू करें। सिड की एक गेम प्ले है, या गेम प्ले कहें या ना कहें आई डोंट नो, बट एक क्वालिटी है कि वो जैसा था डे वन पे आज तक वैसा है। दैट्स द की टू विनिंग बिग बॉस, डोंट चेंज, बिकॉज इफ यू ट्राई टू बी समबॉडी एल्स कब तक करोगे? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के कब तक घूमोगे? जब मास्क गिरेंगे तब तुम्हारा अगली साइड दिखेगा, इट विल बी टू लेट। तुम ऐसे थे नहीं आसिम, तुम बदले हो। सिद्धार्थ डे वन से ऐसा है, पारस डे वन से ऐसा है, शहनाज डे वन से ऐसी है। इसीलिए ये लोग ने हमारे दिलों में जगह बना ली है। तुम्हें भी हम लाइक करने लगे थे, लेकिन नीडलेस 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 चीखना चिल्लाना, यू आर बोरिंग अस नाउ आसिम। कुछ और है तुम में तो दिखाओ, किसका वेट कर रहे हो? बहुत अनएक्सेप्टेबल हो गया है ऑफ लेट तुम्हारा बिहेवियर। तुम तो सलमान भाई को भी झूठ बोल रहे थे जब सलमान भाई ने बोला यू सेड शी विल प्ले द वुमन कार्ड। मैं नहीं सर। सलमान भाई ने कहा सॉरी मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा, तुमने कहा था मंडप वाले टास्क में कहा था, तब तुम चुप हुए। क्या हुआ? वो पूरे वीक जो तुम लोगों ने सिद्धार्थ की बैंड बजाई थी, कितने एक्साइटेड थे फटी हुई शर्ट में अरहान, रश्मि और तुम। सर रश्मि तो मतलब सर प्लीज प्लीज सर, मतलब एक्चुअली बोलना चाहते थे कि जाने से पहले मां बहन करो सिद्धार्थ की। कुछ नहीं हुआ ना, बल्कि चार बातें रश्मि को ही सुना के गए ना सलमान भाई। यू मैड? यू वॉन्ट टू हियर शिट? इज योर ब्रेन ए शोपीस? व्हाट अ लाइन। अब इससे पहले कि तुम पे भी सब टूटे, आसिम पुल अप योर सॉक्स। हम खुद चाहते हैं कि सिद्धार्थ बिना फाइट के ना जीते। पारस कैन गिव हर गिव सिद्धार्थ अ फाइट, शहनाज कैन गिव सिद्धार्थ अ फाइट, बट वो दोनों उसके साथ है। आगे क्या होगा वी डोंट नो। तुम तो खुले में आ गए हो ना लड़ने, सोच समझ के लड़ो, सही बात पे लड़ो, झूठ कम बोलो, अपनी बातों पे ऐसे फ्लिप मत करो। अगर तुम्हें कोई चीज करेक्ट लगती है ड्यूरिंग योर कैप्टेंसी, तो तुमको शहनाज की कैप्टेंसी में भी सेम बात मेंटेन करनी चाहिए। इस कंसिस्टेंसी को लोग नोट करेंगे। सो आसिम, ये जो मैंने एपिसोड बनाया है, आई हेट आसिम आई लव सिद्धार्थ, जितना हम सिद्धार्थ फैंस रश्मि को हेट करते हैं फॉर हर दोगलापन, फॉर हर फेकनेस, फॉर हर कनाइविंगनेस, कॉनिंग गेम, चीटर, लायर, बैकबाइटर, प्रिटेंडर, रोंदू, उतना हम तुम्हारे लिए नहीं कहेंगे। लेकिन बुराई से बिग बॉस नहीं जीत पाओगे। सो गाइस, कीप वॉचिंग डीप डायलॉग विद आकाशदीप। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉरवर्ड। सवाल करने हैं या वीडियो क्वेश्चन भेजना है तो एक छोटा सा वीडियो akashdeepsabir9@gmail.com पर भेजिए। हम वो सवाल भी दिखाएंगे वीडियो में और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक आओ बहन चुगली करें।
इस बार वीकेंड का वार शायद सलमान भाई नहीं करेंगे, आई डोंट नो, बट रोहित शेट्टी हैज एंटर्ड द हाउस, तो मे बी ही विल डू इट बिकॉज सलमान भाई का बर्थडे है, तो वो शायद वहाँ थे, एंड जो हम सैटरडे को देखते हैं वो फ्राइडे को शूट होता है, तो शायद आई डोंट नो, इट विल गेट क्लियर टुडे. टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड.